एक्सक्यूज मी। यस। बैठने की कहीं जगह नहीं है क्या? आप वहां बैठ सकते हैं। थैंक यू। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी, बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ श्योर, मैं अकेला हूँ। थैंक यू। वेटर। यस सर। एक विस्की क्वार्टर लेते आओ। साथ में कुछ और लेंगे सर? ओह नहीं, इट्स ओके। ओके सर। जुर्म, सजा और मौत, ये कैसी किताब है सर? बहुत इंटरेस्टिंग। कैसे बड़े से बड़े क्राइम पकड़े गए और फिर वो क्रिमिनल्स को कैसे मौत की सजा दी गई, ये सब कुछ है इसमें। छोड़िए सर, वो जुर्म ही क्या जो पकड़ा जाए और वो सजा ही क्या जो मौत पे आके खत्म हो जाए। मेरे हिसाब से मौत तो तकलीफों से छुटकारा दिला देती है। ऐसा कोई जुर्म नहीं है जो पकड़ा ना गया हो, और मौत, मौत से बढ़कर कोई सजा हो ही नहीं सकती। दुनिया में हर कोई एक ही चीज से डरता है और वो है मौत। होती है सर, मौत से भयंकर सजा भी होती है। मैं जानता हूं ऐसे दो लोगों को, एक वो जिसने जुर्म किया और एक वो जिसने जुर्म की ऐसी सजा दी जो ना ही आज तक कभी किसी ने सुनी होगी और ना ही किसी ने देखी होगी। एक ऐसी सजा जिसे देखकर इंसान की रूह तक कांप गई। फिर तो दोनों ही मुजरिम हुए। इसका फैसला तो कानून उसकी कहानी सुनने के बाद ही करेगा सर। अनिकेत, अनिकेत नाम था उसका। एक हंसता खेलता परिवार था उसका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। प्रणाम मम्मी। खुश रहो बेटा। क्या हुआ, जल्दी घर आ गए? हाँ माँ, जल्दी छुट्टी ले ली थी। कविता कहाँ है माँ? कविता सुबह से अपने कमरे में है। बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ माँ सब ठीक है। मैं कुछ लेकर आया हूँ, ये देखिए, ये बाल गोपाल के कपड़े माँ, और ये उनके गहने। तुम्हें कैसे पता? मुझे लड्डू गोपाल के लिए नए कपड़े चाहिए थे, मैंने तो कविता से कहा था लाने के लिए। मैंने सब सुन लिया था माँ। अब तो आप खुश हैं ना? बहुत ज्यादा। मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि तुम जैसा दामाद ना हर किसी को मिले। कविता से मिल गया था। Come on यार कविता, बस भी करो ना। पता है जब तुम नाराज होती हो ना, ऑफिस में मेरा मन भी नहीं लगता। रहने दो, मैं दुनिया भर की फिक्र है, सिर्फ मेरे। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि जिसकी वजह से मैं दुनिया की परवाह करता हूं, मुझे उसी की परवाह नहीं है? तो फिर मान जाओ ना, तुम्हें पता है ना निकेत, ये कॉन्टेस्ट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैं पार्ट लेना चाहती हूँ, और जब मैं सिलेक्ट हो गई हूँ और तुम मना कर रहे हो। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? इस सेकंड थर्ड रनर अप ये सब नहीं चाहिए। फिर दिस इज इंदौर का टाइटल तुम्हें ही मिलना चाहिए। मतलब तुम मान गए? अरे
इतनी बड़ी सर्विस खत्म हो गया। मेरी बीवी इतनी बड़ी ड्रामा क्वीन है, मुझे पता ही नहीं था। पता चल गया ना इतनी बड़ी नौटंकी है, बस होशियार रहेगा। होशियार? होशियार नहीं, मुझे मदहोश रहना था। मुझे अपनी इस बारों में Next. Hold. Walk. Okay, stop music. Girls, half an hour break. Come on. ये तो हो पा रहा है। यार बहुत मजा आया ना। कितना रॉक, कितना जोरदार चमत्कार। यार ना, बहुत अच्छा। प्रिया, सुनो। ब्रेक हो गया। जाके जूस पी लो। ब्रेक के बाद फुल एनर्जी के साथ करते हैं। ओके? हाँ, प्रिया, ये लो, एनर्जी ड्रिंक। पी लो। थैंक यू सो मच सर। मेरा परफॉर्मेंस कैसा था? परफॉर्मेंस अच्छा था, माइंड ब्लोइंग। सर आपको क्या लगता है कि मिसेस इंदौर का टाइटल मैं ही जीतूंगी ना? अरे मैं हूं ना, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मिसेस इंदौर का टाइटल तुम ही जीतोगी, बस तुम मेरा ख्याल रखो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सिंपल। सर, इस टाइटल को जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या कहा? कुछ भी। कुछ भी? कुछ भी। तो देर किस बात की, जाओ दरवाजा बंद करो और शुरू हो जाओ। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम कितनी टैलेंटेड हो। ये क्या कर रही हो तुम? आप बस आराम कीजिए और आप अपनी आंखें बंद करो और रिलैक्स हो जाइए। क्या कर रहा है भाई, आराम से। सॉरी सर, गलती हो गई।
तो फिर अपने हस्बैंड से परमिशन लेने के बाद कविता भी प्रिया के लाइन पे चल पड़ी होगी। आपको क्या लगता है, अनिकेत जैसे हस्बैंड को कविता धोखा देगी? मैं कुछ बोल तो नहीं सकता, लेकिन यार अनिकेत जैसे इंसान के साथ धोखा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन धोखा हुआ उसके साथ, बहुत बड़ा धोखा। तुम्हें पता है ये जो हमारा कोरियोग्राफर है ना, सुना है बहुत खड़ूस है, सब लोगों के साथ बहुत अजीब तरीके से बात करता है। मेरे साथ अगर ऐसे बात किया ना तो मैं तो उसके क्या बोल रही हो, गुरु है वो तुम्हारा, अरे कुछ सिखाई तो रहा है ना। है, गुरु नहीं है, कोरियोग्राफर है। और फिर वो नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा। चलो मैं जाती हूँ, ऑलरेडी बहुत 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 लेट हो गया है, तो बाय। अरे क्या जाती हूँ नहीं कहते, अभी वापस आती हूँ ये कहते हैं। ओके बाबा, मैं जाकर आती हूँ। ओके बाय। थैंक यू। लेट ज्वाइन किया तुमने, एक हफ्ते की ट्रेनिंग तो तुम मिस कर चुकी हो। अब कुछ ही दिन बचे, इतने से दिनों में मैं क्या ट्रेन करूंगा तुम्हें? सर, सर मैं पिकअप कर लूंगी सर, प्रॉमिस। पिकअप तो तुम कर लोगी, मगर कैसे? सर ट्रस्ट मी सर, मैं कर लूंगी। एक मिनट, इस प्रोफेशन के नॉर्म्स, आई मीन क्या क्या करना पड़ता है, होप यू नो इट, तुम जानती हो राइट? हाँ सर, मैं जानती हूँ सर, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ सर, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी, बस मुझे ये टाइटल मुझे जीतना ही है सर, कुछ भी करके। अब तुम्हें मिसेज इंदौर का टाइटल जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, मैं बनाऊंगा तुम्हें मिसेज इंदौर, बस तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसे मैं कहूंगा। कविता जितनी मासूम थी, नील उतना ही शातिर। उसने पहले ही दिन से धीरे धीरे कविता पे अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था, कभी एक्स्ट्रा रिहर्सल्स के बहाने, कभी कॉस्ट्यूम ट्रायल के बहाने, कभी फोटोशूट के बहाने। दो दो घंटे के रिहर्सल कब पूरे पूरे दिन के रिहर्सल बन गई, ये कविता को खुद नहीं पता चल पाया। यस, थोड़ा बॉडी पोस्चर स्ट्रेट, yes, more confident, smile, 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 straight, yeah, back, okay, good, one more time. Kavita, kya hua ma, I'm so tired, please. तुम्हें शर्म है या नहीं? माँ, लेकिन मैंने क्या किया? क्या किया? टाइम देख रही हो? कब से अनिकेत घर पर आकर बैठा हुआ है? आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आया तुम्हारी वजह से कि कहीं बाहर जाना है, और तुम अब घर आ रही हो? सुनो, कहते हैं नसीब वालों को अच्छा पति मिलता है, उसकी कदर करनी चाहिए, कदर करना सीखो उसकी। माँ मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, और सबसे बड़ी बात अनिकेत को पता है कि मैं क्या करने जा रही हूँ। अनिकेत को पता है कि सर एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं, और अगर अनिकेत को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों है? कमाल है। कमाल मैं नहीं, कमाल तुम कर रही हो, कुछ समझ भी रही हो? अच्छी भली घर गृहस्थी चल रही है, उसे संभालने की बजाय बाहर धक्के खा रही हो। गया आपका, जाओ मैं,
आप नहीं समझेंगे। कविता! अरे तुम पैकिंग कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम कल जाओगे, आज पैकिंग कर रहे हो। अरे कल ही जाऊंगा मेरी जान, वो एक्चुअली करने का कुछ था नहीं, फिर सोचा कि तुम थकी हुई आओगी तो कहां पैकिंग के झंझट में पड़ोगी, इसीलिए सोचा कि खुद ही कर लेता हूं। अरे तो इसमें नाराज होने वाली बात क्या हो गई? एक काम करता हूँ, सारे कपड़े ना वापस बिखेर देता हूँ, तुम फिर से पैक कर देना। मैं तुमसे नाराज क्यों हो जाऊं? पता माँ ने आते मेरा मूड खराब कर दिया। पता नहीं क्यों माँ को अभी भी लगता है मैं उनकी वही छोटी सी कविता हूँ। अब तुम बताओ कि मुझे कोई हक नहीं है अपने बारे में फैसला लेने का। ख्याल छोड़ो माँ को, ये बताओ तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? ये तुमने वो सीखा, वो क्या बोलते हैं उसे, वो जो लड़कियां करती है ना चलती, अरे वही जो कमर मटका मटका की चलती है, क्या बोलते हैं उसको? कैटवॉक। हाँ कैटवॉक सीख लिया। हाँ, और तुमको पता है सर ने क्या कहा? सर ने मुझे ये कहा कि उन्होंने इतने सारे लड़कियों को कैटवॉक करते हुए देखा है, लेकिन मैं I'm the best। तुम और कैटवॉक तो नहीं। देखो मुझे क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? बहुत अच्छी, इतना ज्यादा अच्छा कि डर लगने लगा है। डर? किस बात का डर? क्या है ना, ये जो ग्लैमर की लाइन होती है ना जिसमें तुम चल पड़ी हो, इसमें फिसलन बहुत है, अच्छे खासे लोग फिसल जाते हैं। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा नहीं होता ना तो मैं तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने ही नहीं देता। अच्छा एक बात तो बताऊं, 7 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, मुझे सूखे सूखे भेज दोगी क्या? अच्छा अब तुम मेरे कॉन्टेस्ट तक वापस आ जाओगे ना? ऑफ कोर्स। Promise? प्रिया? मुझे देख के इतना शॉक क्यों हो रहे हो नील? आजकल तुम्हारा ध्यान मुझसे क्यों हटा जा रहा है? और तुम्हारी वो कविता के साथ एक्स्ट्रा क्लासेस कैसे चल रही है? सिगरेट स्किन के लिए अच्छी नहीं होती बेबी। तुम मेरी स्किन की चिंता करना छोड़ दो, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने वो कॉन्टेस्ट जज से मेरी मुलाकात कब करवाने वाले हो? मिलवा दूंगा यार, टेंशन क्या है, मिसेस इंदौर का टाइटल तुम्हें ही मिलेगा। मैंने इस टाइटल को पाने के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया, और अगर ये टाइटल मुझे नहीं मिला ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अपनी औकात में रहो प्रिया, मुझे ब्लैकमेल करने के बारे में सोचना भी मत। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, तुम खुद चलकर आई थी मेरे पास सामने से। भूल गई? मेरे पास वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, और हाँ फिलहाल यहाँ भी कैमरा तुम्हें देख रहा है। तुम क्या बिगाड़ लोगी मेरा? हाँ इसका मतलब तुमने मुझसे जो भी कुछ कहा वो सब झूठ था, तुमने फ्रॉड किया मेरे साथ। ऐसा नहीं है बेबी, क्यों अपने दिमाग पर प्रेशर डाल रही हो? मैंने जो वादा किया उसे मैं निभाऊंगा, बस तुम मेरा ख्याल रखो,
और मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। इट्स अ डील। अब इतनी दूर क्यों बैठी हो? आओ मेरे पास आओ ना। देखो आना तो तुम्हें ही पड़ेगा। हेलो सर। अरे मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि मुझे सर मत बोला करो। कॉल मी नील। ओके। ओके नहीं, मेरा नाम लेके बोलो। बोलो ठीक है नील। ठीक है नील। ये हुई ना बात। अच्छा आज रिहर्सल्स पे कितने बजे आ रही हो? पर आज तो संडे है ना सर। फिर से सर। ओके नील। इट्स ओके। ठीक है सर मैं आ जाती हूँ। आई मीन डॉग नील। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके बाय। तो संडे को भी रिहर्सल्स है? हाँ, जो हमारा सर है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं मुझ पर। और पता है उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि इस साल का मिसेस इंदौर का टाइटल सिर्फ मुझे ही दिलाएगा। वैसे एक बात तो बताओ, ये जो तुम्हारे सर हैं, क्या नाम है इनका? नील सर। नील, ये सही आदमी तो है ना? एक्चुअली वो क्या है ना कि जिस तरीके के वो काम करता है बाहर कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिलता है, इसलिए। नहीं बाबा, वो बहुत अच्छे इंसान है, बस अपने काम से काम मतलब रखते हैं बस। ओके देन, चलो मैं चलता हूँ। टेक केयर। ओके। तो इसका मतलब कविता अपने पति को धोखा नहीं दे रही थी, वो नील ही था जो कविता को अपने जाल में फंसाया जा रहा था। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि कविता अपने हस्बैंड को धोखा नहीं दे रही थी? जाहिर सी बात है, जो लड़की अपने ट्रेनर का नाम तक लेने के लिए हिचकिचाती हो, उसके दिमाग में अपने गुरु के लिए ऐसे बुरे ख्याल कैसे आ सकते हैं? लेकिन वो नील जैसा बंदा बिना किसी प्रॉफिट के उसको मिसेज इंदौर का खिताब जीतने भी नहीं देगा। तो आखिर में उसने मिसेज इंदौर का खिताब जीता कि नहीं? वो जीती या नहीं जीती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि अनिकेत सब कुछ हार गया। क्या हो कविता को? हमारी कविता हमें छोड़कर चली गई। कविता, कविता अपनी आंखें खोलो। कविता आंखें खोलो अपनी। भाई इंस्पेक्टर साहब, कविता आंखें खोलो। कविता, कविता वो अब नहीं खोलेगी आगे। इस तरह सांप चीने बनने की कसम खाई थी मेरे साथ। ये तू मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती कविता। कविता, आपकी पत्नी सुसाइड लेटर छोड़कर गई है जिसमें लिखा है कि उनकी मौत के जिम्मेदार वो खुद हैं। वो जीना नहीं चाहती और इसके लिए किसी और को दोषी न ठहराया जाए। जीना नहीं चाहती, ये जीना नहीं चाहती। कैसी बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? अरे अगले हफ्ते इसका कॉल टेस्ट था, ये उसकी तैयारी कर रही थी और मेरी कविता बहुत खुश थी। झूठ बोल रहे हैं आप, इस तरह से गलत है। कविता अपनी आंखें खोलो। कविता तुम ऐसा नहीं कर सकती। कविता अपनी आंखें खोलो।
इतनी बड़ी ड्रामा कोई नहीं, मुझे पता ही नहीं था। पता चल गया ना। क्या नाम है इनका? नील सर। नील, ये सही आदमी तो है ना? वो बहुत अच्छे इंसान है, बस अपने काम से काम मतलब रखते हैं बस। अंकित बेटा खाना खा लो, मैं खिलाती हूँ। नहीं माँ, भूख नहीं है। कविता मेरी बेटी थी, माँ उसकी में, उसके मरने के बाद मैं भी तो बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अपने दिल पे पत्थर रख के सबर रखना पड़ता है, सबर करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तुम्हें भी सबर रखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो अभी खाना खा। नहीं माँ, सफर नहीं होता माँ, नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर उस दिन में होता ना तो आज कविता हम लोग के साथ होती। कुछ नहीं होता तुम्हारे होने से, उसको तो ये सब करना ही था, कुछ भी नहीं। क्या कह रही हैं आप? कुछ कुछ नहीं अंकित, तुम खाना खाओ। माँ नहीं, माँ आप मुझसे कुछ छुपा रही है ना? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ अंकित। नहीं, तुम खाना खाओ। माँ आप मुझसे पक्का कुछ छुपा रही है? नहीं। माँ बताइए मेरी बीवी के साथ क्या हुआ? अंकित खाना खाओ। बताइए मेरी बीवी के साथ क्या हुआ माँ? अंकित कुछ नहीं हुआ, कुछ। माँ मेरी मेरी आंखों में देखिए, बताइए मेरी बीवी के साथ क्या हुआ? अंकित बहुत बुरा हुआ, कविता के साथ बहुत बुरा हुआ। कैसे बताऊं तुम्हें, एक माँ हूँ मैं, कैसे बताऊं? कैसे तुम्हें बताऊं? उस दिन जब तुम घर पर नहीं थे तो वो डांस क्लासेस के लिए गई हुई थी। मोर कॉन्फिडेंट। सर एक मिनट, माँ का कॉल। हाँ माँ। हेलो कविता, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें फोन लगा रही हूँ, घर क्यों नहीं आई अभी तक? माँ बस हो गया है, बस मैं निकलने वाली हूँ। ठीक है, जल्दी से अपनी क्लास खत्म करो और घर पर आ। हाँ माँ, ओके। किसका फोन था? सर माँ का कॉल था, मुझे अब चलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है। हाँ बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और बची है, उसके बाद चली जा। ठीक है। तुम टायर्ड लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। नहीं 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 सर, थैंक यू सो मच, लेकिन लेकर आता। ये लो, ये जूस पी लो, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। लो लो। बस फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और फिर घर चले जाना। Very nice. क्या हुआ? Sorry sir, पता नहीं, sorry. अरे देखो ये सब हरकत करके ना तुम कॉन्टेस्ट जीत नहीं सकोगे, ठीक है? छोड़ो मुझे। नहीं, अरे मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे।
सर प्रॉमिस, क्या कर रही हो तुम? सर प्रॉमिस सर, मैं ये टाइटल जीत कर रही हूं। ये गलत बात है, देखो तुम ये सब नहीं कर सकती। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। सर कविता, कविता क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? और ये तेरी हालत, ये निशान, क्या हुआ तुझे? बोलना कुछ तो बोल। कविता क्या हुआ तुझे? आराम से, आराम से। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ बेटा? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ है? और ये तेरी हालत, कुछ बोलना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कविता कुछ तो बता। वो ट्रेनर, ट्रेनर ने पता नहीं मुझे जूस में वो नशे की गोली मिला फिर मुझे पिला दिया। मेरे साथ उसने कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अनिकेत को ये सब पता चला ना, वो टूट जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो ये सब। गुस्से में आके वो उसको उसको मार भी डालेगा। तुझे पता है सबकी जिंदगी खराब हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। पता है तुझे वो तुझे कितना प्यार करता है, तुम क्यों नहीं समझ रहे? जिंदगी तो खराब हो चुकी है माँ, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, ना वो ना मैं, कुछ भी नहीं। अनिकेत का फोन आ रहा है, मैं उसे सब कुछ बताऊंगी। नहीं माँ, अभी अनिकेत को कुछ नहीं बताएंगे हम। माँ मैं अनिकेत से कुछ नहीं छुपाती हूँ माँ, मुझे बात करने दीजिए, मैं उसे बताऊंगी कि दुनिया बहुत बुरी है माँ, एक बार बात तो करने दीजिए। नहीं तू समझ क्यों नहीं रही है? अभी अनिकेत को हम कुछ नहीं बता सकते। मेरी बात को समझ बेटा। इसका मतलब आपने उसे मुझसे बात करने से रोका? क्यों किया आपने ऐसा? हा? मैं पूछता हूं क्यों किया आपने ऐसा? अरे अगर वो उस दिन मुझसे बात कर लेती मां तो वो ऐसा कदम नहीं उठाती। और आपकी वजह से मैंने अपनी बीवी को खो दिया। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना बड़ा हादसा हो गया और वो कमीना अभी भी आजाद बाहर घूम रहा है। अरे कम से कम मां आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। हम पुलिस के पास गए थे। इंस्पेक्टर साहब, यही है, यही है वो कमीना, इसे आप अरेस्ट कर लीजिए सर। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये क्या ड्रामा हो रहा है? ड्रामा? तुम्हें ये ड्रामा लग रहा है? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके तुम बोल रहे हो कि हम ड्रामा कर रहे हैं? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये ड्रामेबाज औरत क्या कह रही है इसे खुद नहीं पता। इसकी बेटी कॉन्टेस्ट के चक्कर में मुझे फंसा रही थी। मैंने उसे कहा कि कॉन्टेस्ट जीतना तो दूर ही है, उसमें हिस्सा तक नहीं ले सकती। ये मेरे घर पे आ गई और एक दिन तो इसने हद पार कर दी, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तब भी मैंने उसे कहा कि ये सब करके कोई फायदा नहीं, तुम जीत नहीं पाओगी। पर ये नहीं मानी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने घर पे सीसीटीवी कैमरास लगा कर रखे। इसकी सारी काली करतूतें यहाँ पे छप चुकी है, आपको दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। ये देखिए, क्या हुआ? सॉरी सर, वो ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। नहीं सर, ये टाइटल तो मैं नहीं जीतूंगी सर। शर्म आनी चाहिए आपको झूठा इल्जाम लगाते हुए। इंसान झूठ बोल रहा है सर। ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग झूठ बोल रही है, हैं? अब जो भी बातें होगी हवालात पे चल के बातें होगी। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को जाने दीजिए।
वो क्या है ना, वो ग्लैमर फील्ड का नशा ही ऐसा, अगर इंसान को ना मिले तो वो इनकी तरह बौखला जाते हैं। इसमें इनकी कोई गलती नहीं, इन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं उसे माफ करता हूं। जाने दीजिए इन लोगों को। अब तुम ही बताओ, तुमसे छुपाती नहीं तो क्या करती मैं? अगर वो तुम वीडियो देखते तो शायद तुम भी उस वक्त उसे नहीं समझ पाते, उसे ही गलत समझते। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। कसम है मुझे अपनी मरी हुई बीवी की मां, उस इंसान को ऐसी सजा दूंगा जो ना ही आज तक कभी किसी ने देखी होगी और ना ही आज तक कभी किसी ने सुनी होगी। ओके सर, मैं अभी तक ये नहीं बताया कि आखिर अनिकेत ने नील को ऐसी कौन सी सजा दी जो ना आज तक दुनिया में किसी ने देखी ना सुनी हो। अनिकेत ने नील की पूरी जानकारी निकाल ली थी, बहुत दिन तक उस पर नजर भी रख रहा था, और एक दिन अनिकेत को मौका मिल ही गया। हेलो, नील कुमार बुंदेला बोल रहा हूँ। मैं धर्मराज बोल रहा हूँ, धर्मराज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज का, तो आपने नाम सुना ही होगा। तो सुना सुना लग रहा है जी, बताइए। हमारी बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, हम चाहते हैं कि इस बार का मिस बेंगलोर कॉन्टेस्ट हम अपनी कंपनी के नाम से स्पॉन्सर करें। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सारा इवेंट आप ऑर्गेनाइज करो। वेरी नाइस, बताइए कहाँ आना है। मेरा ऑफिस काफी इंटीरियर्स में है, आपको आने में काफी दिक्कत होगी, इसलिए मैं आज शाम 8 बजे आपको होटल वॉलेट प्लाजा के बाहर मिलूंगा। मैं आपको वहीं से पिक भी करूंगा और वापस वहीं पर ड्रॉप भी कर दूंगा। ओके, सी यू। हाय, धर्मराज। प्लेजर मीटिंग सर। प्लेजर ट्रिप तो अब शुरू होगी मिस्टर नील। वैसे एक बात बताओ, ये काम काम नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद है जिसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आप बिल्कुल सही हाथों में। और आप भी। साउंड्स गुड, ओके। लेट्स गो। एक बात तो बताइए मिस्टर नील, ऑफ रिकॉर्ड है बिटवीन यू एंड मी, ये जो आपकी कंपनी में मॉडल्स काम करते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, क्या वो? मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं, सारी नहीं बट यू नो व्हाट आई मीन। और अगर किसी एक खास पर दिल आ जाए तो? इतना क्यों सोच रहे हैं? आपका जिस पर दिल आएगा वो लड़की आपके कमरे तक पहुंचा दी जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो? देख लेंगे ना। काफी शातिर खिलाड़ी लगते हैं आप, मजा आएगा आपके साथ। गाड़ी रोकिए, अब ये कार अपनी मंजिल पे जाके रुकेगी। नील कुमार बुंदेला, क्या हो रहा है मुझे? स्टॉप द ब्लडी कार।
अरे कोई है क्या? मेरी आवाज कोई सुन सकता है? ए धर्मराज, ए भाई खोल यार, क्यों कर रहा है यार मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? क्यों कर रहा है? क्या कसूर है मेरा? बहुत तकलीफ होती है जब किसी को सजा मिले और उसे उसकी वजह ही ना पता हो। बहुत तकलीफ होती है, जैसे कविता को हुई थी। कविता? हाँ कविता। क्या कसूर था उसका? तुझे वो अपना गुरु मानती थी और तूने उसी की इज्जत ले ली। जब किसी लड़की का रेप होता है ना, तो उसके दिमाग में भी यही चलता है जो तेरे दिमाग में चल रहा है। सुबह शाम बस एक ही सवाल कि मेरे साथी क्यों और मेरा क्या कसूर था? सॉरी, मुझे माफ कर दे यार। माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं? हैं? तूने किसी को माफ किया था जो मैं तुझे माफ कर दूं? और वैसे भी जो तूने किया है ना, ये माफी के काबिल ही नहीं है। और रही बात तकलीफ की, तो तूने तो अभी तकलीफ झेली कहाँ है? तुझे मैं बताऊंगा कि आखिर तकलीफ आखिर होती क्या है? ये होती है तकलीफ। तेरे हाथ का सेंसेशन तो चला ही है, इसका मतलब जहर काम कर रहा है। धीरे धीरे ये जहर तेरी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और फिर तुझे मुक्ति मिल जाएगी। माफ कर दे मुझे। माफी तो तुझे मिल नहीं सकती है, कुछ और मांग के देख ले, क्या पता मिल जाए। जान से मार दे मुझे, मार दे मुझे, इसे तेरी बीवी की कसम, मुक्ति दे दे मुझे। इतनी जल्दी हार मान गया स्मार्ट बॉय? देख अब जब तुमने कसम दे दी है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं तुझे मार तो नहीं सकता, आजाद जरूर कर सकता हूँ। तुझे आजादी चाहिए ना? ये देख रहा है? ये तुझे आजाद करवाएगा। तेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, क्योंकि 10 मिनट के बाद ये दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। तो इन 10 मिनट में तू अगर अपनी जिंदगी बचा सकता है तो बचा ले। टाइम सर, मैंने अपना वादा पूरा किया और तूने अपना टास्क नहीं। अरे दरवाजा खोलो। ओके सर, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया होगा। अरे अरे एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। वो दरवाजा कब खुला फिर? और वो नील का क्या हुआ? पता नहीं, आज तक वहां कोई नहीं गया और ना ही किसी ने जाने की हिम्मत करी। वो कमरा आज तक बंद ही पड़ा है।
इंस्पेक्टर राठौड़ बोल रहा हूँ। जरा रिकॉर्ड चेक करके बताओ, नील कुमार बुंदेला नाम के किसी व्यक्ति का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है क्या? इमीडिएटली। सर सुनो, ये जो आदमी मेरे सामने बैठा था, ये यहाँ का रेगुलर कस्टमर है क्या? नहीं साहब, इससे पहले तो इसको नहीं देखा यहाँ। कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। हाँ कुछ पता चला? 7 महीना पहले। इसका मतलब एक कहानी नहीं, हकीकत है साहब। बिल बुक में पेमेंट के साथ एक पर्चा छोड़ गया वो आदमी। अरे ये क्या है? का मतलब वो अनिकेत था। जी हाँ सर, मैं ही अनिकेत हूँ। मुझे पता था आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आएंगे। कानून को अपने हाथ में लेकर तुमने सही नहीं किया अनिकेत। और जो नील ने किया सर, क्या वो सही था? दुनिया में कोई भी गुनाह का फैसला ना हिंसा से हुआ है ना हो सकता है। तुमको पुलिस के पास जाना चाहिए था, इसके लिए कानून बना है, अदालत बनी है। गई थी सर वो पुलिस स्टेशन गई थी, पर वहां पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। इस नील ने ऐसा जाल बुना था कि कोई उसकी बातों पर भरोसा करने वाला था ही नहीं वहां। गलत। कोई भी मुजरिम जुर्म करके कानून से बच नहीं सकता। और तुम्हें क्या लगता है, तुमने नील को सजा दी है? कानून को अपने हाथ में लेके तुमने ये सजा नील को नहीं अपने आप को दी है। कानून की नजर में तुमने अपराध किया है और तुम भी एक मुजरिम हो। मैं जानता हूं सर, मैं मुजरिम हूं, इसीलिए जानबूझकर मैंने आपको ये कहानी सुनाई थी और जानबूझ के यहाँ का पता भी छोड़कर आया था। मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ सर। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे।